हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एसएसटी क्लास 9th, सोशल साइंस क्लास 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। एसएसटी मिड टर्म एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैनल पे आपको एसएसटी के और भी क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे, लास्ट ईयर के पेपर, मिड टर्म के पेपर भी आपको मिलेंगे। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो कंप्लीट एसएसटी साइंस और मैथ्स की क्लास 9 की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं ताकि आपकी एग्जाम में प्रिपरेशन हो और आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। विदाउट ट्यूशन के भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पालमपुर। पालमपुर एक जगह है, उस जगह के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पालमपुर के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो पहला है, मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो पालमपुर एक डेवलप गांव था तो वहां पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन थे, ये बात सही है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द हाउस आर कच्चा, ये गलत है क्योंकि पालमपुर क्या था, डेवलप्ड हाउस था। तो दूसरा ही इसका गलत आंसर है। विलेज हैज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, अच्छी रोडें थी वहां पे और फार्मिंग ज्यादातर लोग करते थे। तो तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, क्योंकि पालमपुर में जैसे बोला ना, गलत स्टेटमेंट बोला। तो पालमपुर के मोस्ट ऑफ द हाउस आर कच्चा, जबकि वहां के ज्यादातर हाउस क्या थे, पक्के थे। कच्चा हाउस कैसे होते हैं, झोपड़ी वगैरह होती है, ठीक है, पर वहां पे झोपड़ियां नहीं थी, लोगों ने अच्छे घर बनाए हुए थे, इलेक्ट्रिक कनेक्शन सबके पास थे ज्यादातर लोगों पे, वहां पे रोडें भी बहुत अच्छी थी, वाटर का जो कनेक्शन था, इरिगेशन वगैरह भी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फार्मिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो किसान यूज करते हैं। शॉप कीपिंग यानी दुकान चलाना, ये फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है। ट्रांसपोर्ट टेम्पो ट्रक चलाना, ये भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग करना यानी फैक्ट्री, ये भी नहीं है। सोइंग ये है, बीज, खेतों में बीज लगाना, यही फार्मिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल एंड मनी हैंड, मनी इन हैंड कॉल्ड। रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड को हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फोर्थ में बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर हमारे को कोई गुड्स और सर्विस के लिए किस चीज की हमें जरूरत नहीं है। गुड्स और सर्विस का मतलब समझते हो, हम कोई फैक्ट्री है हमारी, तो हम फैक्ट्री में क्या बनाएंगे, सामान बनाएंगे। तो उस सामान को बनाने के लिए, बेचने के लिए हमारे को यहाँ पे बोला है नॉट, किस चीज की जरूरत नहीं होती। तो गुड्स और सर्विस में हमें किस चीज की जरूरत नहीं होती, तो हमें गुड सर्विस बनाने में रेनफॉल की जरूरत नहीं होती। लैंड चाहिए तभी तो हम अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, एजुकेशन हम पढ़े लिखे होंगे तभी तो हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, और हमारे को फिजिकल कैपिटल यानी लेबर तो हमें चाहिए ना, तभी तो हमारी खेती प्रोडक्शन करेंगे वो हमारी फैक्ट्री में। मगर बारिश की कोई जरूरत होती है हमें, तो बारिश की हमें कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे रेनफॉल इसका आंसर होगा कि हमें रेनफॉल की जरूरत नहीं होती। देखो नॉट लिखा है, ध्यान रखना इन चीजों का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द ग्रोइंग 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर। पालमपुर में 3 खेती होती थी एक साल में, जैसे कई लोग अपने खेतों में 1 या 2 फसल उगाते हैं, कई लोग गेहूं की फसल और उसके अलावा मक्के की फसल उगाते हैं, ठीक है, पर पालमपुर में 1 या 2 नहीं, पालमपुर में कितनी फसल उगाई जाती थी, 3 फसल उगाई जाती थी। तो ऐसा क्यों था कि पालमपुर में 3 फसल उगाई जाती थी, ठीक है, और जगहों पर तो क्या होता है भाई, 2 ही फसल उगाई जाती है, मगर पालमपुर में कितनी फसल उगाई जाती थी, पालमपुर में 3 फसल उगाई जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था, उसका कारण क्या है? उसका कारण है, द विलेज हैज वेल डेवलप्ड इरिगेशन। तो वहां पर पानी की अच्छी व्यवस्था थी, पालमपुर में इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी यानी वहां पे नदी भी, जिसके कारण आराम से पानी आ जाता था, ठीक है, ट्यूबवेल सिस्टम, तो इस तरीके के कुछ सिस्टम थे जिसके कारण किसानों को अपनी खेती करने के लिए पानी की कमी नहीं होती थी। पानी की खेती, जहाँ पानी अच्छे से होगा वहां पे खेती करना आसान होता है। नेक्स्ट है, फार्मर ऑफ विच स्टेट फर्स्ट ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। भारत में कौन सी स्टेट है जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग को पहले अपनाया। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब पहले बैलों से खेती होती थी, हाथों से, अब ट्रैक्टर से खेती होती है, जो मशीनों से खेती करते हैं उसे बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग भारत में सबसे पहले किसने अपनाया,
ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो मॉडर्न फार्मिंग सबसे पहले किसने अपनाया? वो अपनाया पंजाब ने, हरियाणा ने और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। इसलिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, फार्मर हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, वो पैसे वाले किसान हैं। ठीक है, देखा भी होगा आपने, सरदार पैसे वाले होते हैं। ठीक है, और जो जाट भी होते हैं वो पैसे वाले होते हैं। रीजन क्या है? वहाँ की खेती अच्छी है, और अच्छी खेती होने के कारण वहाँ की जमीनें भी महंगी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, व्हेन डिड ग्रीन रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति कब आई? तो ये पूछा गया है, तो भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति 1960 में आई, मगर 1960 के लेट यानी अंत में। ठीक है, मिड में नहीं आई ना शुरू में आई। कब आई? जब 1960 का एंड चल रहा था, एंड हो रहा था, खत्म हो रहा था। ठीक है, यानी लास्ट के मंथ, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम क्लास 9th SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 9th SST हाफ ईयरली प्रिपरेशन है, मिड टर्म प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे आप SST साइंस और मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट ट्यूशन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या नुकसान हुए? ऐसा है ना, किसी काम के हर वक्त फायदे ही होते, कुछ नुकसान भी होते, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या नुकसान हुए क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान हुए वो क्या थे बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, यानी जो खेती थी वो अब कम हो रही थी, प्रोडक्शन कम हो रही थी, जो मिट्टी थी उसका जो प्रोडक्शन था, जितनी खेती पहले होती थी अब उसके कंपैरिजन में कम होने लगी, यानी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई? कम होने लग गई थी। नेक्स्ट है, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन पालमपुर ड्यूरिंग द रेनी सीजन? बारिश के टाइम पे पालमपुर में कौन सी चीज की फसल उगाई जाती थी? तो पालमपुर में कौन सी खेती होती थी? तो जवार और बाजरे की खेती होती थी पालमपुर में बारिश के टाइम पे। जवार और बाजरा, जवार एंड बाजरे की खेती होती थी। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन पालमपुर आर इंगेज इन नॉन फार्मिंग? कितने लोग जो पालमपुर में खेती नहीं करते थे, ज्यादातर लोग तो खेती करते थे, पर कितने परसेंटेज लोग, यहाँ पे परसेंटेज समझ लो, तो 25% लोग या 25 लोग जो है पालमपुर में खेती नहीं करते थे, यानी 1/4 पीपल जो है खेती नहीं करते थे, समझ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द मिनिमम वेजेस? पालमपुर में सबसे जो मिनिमम वेजेस होता है, मिनिमम तनख्वाह या मिनिमम दिहाड़ी कितनी देती थी गवर्नमेंट फार्मर लेबर को? जो फार्मर लेबर होते हैं, फार्मर लेबर कौन होते हैं? जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती, जो किसी और की लैंड में काम करते हैं या गवर्नमेंट उन्हें काम देती है मनरेगा के तहत, तो उन्हें बोलते हैं फार्मर लेबर। तो मिनिमम उन्हें कितना दिहाड़ी दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा? तो उन्हें 60 रुपए दिया जाता था। कितना रुपए दिया जाता था? 60 रुपीज दिया जाता था। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डू मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर यूजली बोरो मनी एंड अरेंज फॉर द कैपिटल? कहाँ से जो स्मॉल फार्मर, छोटे फार्मर या गरीब फार्मर कहाँ से पैसा उधार मांगा करते थे? लार्ज फार्मर से भी मांगते थे वो पैसा उधार, विलेज मनी लेंडर जो जमींदार होते थे उनसे भी मांगते थे, और ट्रेडर से भी मांगते थे, यानी तीनों लोगों से पालमपुर के जो गरीब किसान होते थे वो पैसा लेते थे, लार्ज फार्मर से, विलेज मनी लेंडर से और ट्रेडर, तो तीनों से ही पालमपुर के गरीब किसान पैसा उधार लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, हाउ कैन अ लार्ज पॉपुलेशन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट्स? जो लार्ज पॉपुलेशन होती है वो किस तरीके से एक एसेट के रूप में काम करती है? एसेट का मतलब जो हमारे लिए क्या हो, हमारे लिए, हमारे देश के लिए फायदेमंद हो उसे एसेट बोलेंगे, और जो हमारे देश के लिए नुकसानदायक होगा उसे लायबिलिटी बोलेंगे। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? लार्ज पॉपुलेशन है, पर लार्ज पॉपुलेशन के कारण अगर बेरोजगारी हो रही है, पॉवर्टी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो वो लाइबिलिटी है। मगर अगर लार्ज पॉपुलेशन है उसके कारण हमारे देश की जो है खेती अच्छी हो रही है, हमारे देश की मिलिट्री स्ट्रांग हो रही है, हमारे देश में आप कह सकते हो कि डिफेंस पावर स्ट्रांग हो रही है, या नए नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो फिर वो एसेट हो जाएगी। तो बोला है कि लार्ज पॉपुलेशन किस तरीके से प्रोडक्टिव एसेट हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए, तो वो कैसे हो सकती है? हो सकती है बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जब
हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करें। कहने का मतलब है कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, हम सब लोगों को कोई स्किल की चीज सिखा दें, यानी उनको पास कुछ ना कुछ स्किल हो। किसी को पढ़ाना आता हो, कोई डॉक्टर बन सकता हो, कोई इंजीनियर हो तो कोई एसी रिपेयर कर सकता हो, कोई अच्छे से खाना बना सकता हो, कोई टैक्सी चला सकता हो, ट्रक चला सकता हो, यानी कुछ ना कुछ हर किसी को आना चाहिए। लिखने पढ़ने से लेके कोई ना कोई और स्किल, अगर सबको कुछ ना कुछ आता होगा तो उनको गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं पड़ना पड़ेगा, बल्कि उनकी एक अच्छी इनकम होगी जिससे वो क्या करेंगे, सरकार को टैक्स पे करके अपने लिए और सुविधाएं भी ले सकते हैं। तो जब हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी जब स्कूल के बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए कोई ना कोई स्किल, तो क्या होगा, वो लोअर पॉपुलेशन एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाएगी। ठीक है, माइग्रेशन और ये सारे गलत है, क्लियर हो गया इसका कारण। तो ह्यूमन कैपिटल यानी जितने भी लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ स्किल की चीजें सिखाई जाए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मीन। ह्यूमन कैपिटल जो है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है। तो पहला है गिविंग द एजुकेशन टू ऑल, यानी सबसे पहला काम तो यह है कि जितने भी लोग हैं वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लड़की हो, लड़के हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो विकलांग भी क्यों ना हो, सबको पहले तो एजुकेशन दी जाए, क्योंकि सब पढ़े लिखे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। दूसरा, सबको मेडिकल केयर दी जाए, किसी प्रकार की किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराया जाए। गिविंग ट्रेनिंग टू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सम स्किल, और उसके बाद उन्हें कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए, चाहे उन्हें पढ़ाना सिखाना हो, चाहे उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनने की एबिलिटी हो, क्योंकि सबकी एबिलिटी अलग होती है। ये नहीं कि सब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई ट्रक चलाएगा, कोई खेती करेगा तो कोई हवाई जहाज चलाएगा, तो उनकी सबकी स्किल को बढ़ाया जाए। अगर ये तीनों काम करे जाए तो इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझिए, प्रॉपर एजुकेशन देना, मेडिकल केयर करना और उनको कोई ना कोई स्किल देना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड कंट्री लाइक जापान बिकेम रिच एंड डेवलप। जो जापान है, हमसे छोटी कंट्री है, भारत से छोटा है जापान, पर उसके बाद भी वो कंट्री जो है पैसे वाली है और डेवलप कंट्री है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाय इन्वेस्टिंग ऑन पीपल, जो जापान के लोगों ने है उनके ऊपर जापान की सरकार ने इन्वेस्ट किया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जापान के लोगों को बताया कि हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उन्हें पढ़ाया भी और उन्हें बताया कि आपको हेल्दी रहना है। जब आप हेल्दी रहोगे तो क्या होगा, आपके मेडिकल एक्सपेंस कम होंगे और काम आप अच्छे से कर पाओगे। तो जापान की गवर्नमेंट क्यों रिच और डेवलप हुई, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को एजुकेशन भी दी और अच्छा स्वास्थ्य यानी अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड करी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी होती है? एक्टिविटी तीन होती है, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी है। तो फिशिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बिजनेस, बैंकिंग का मतलब बैंक में जाना, बैंकिंग की काम करना, एजुकेशन का मतलब पढ़ाना। ठीक है, पर फिशिंग क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनमें ज़्यादा पढ़ाई की या कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती, जिनको कोई भी कर सकता है। जैसे फिशिंग करना, मेंढक मुर्गियाँ पालना, ठीक है, एग्रीकल्चर करना, ये सब प्राइमरी क्या कहलाती हैं, एक्टिविटी कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इस टर्शियरी एक्टिविटी, क्या बोला है कि इसमें टर्शियरी एक्टिविटी कौन सी है। तो टर्शियरी एक्टिविटी होती है मैन्युफैक्चरिंग करना, जिसमें कोई फैक्ट्री लगा ले और अपनी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाए, कुछ बनाए या लेबरों को भी अपने साथ मिला ले, लेबरों को हम ट्रेन करें ताकि वो हमारे प्रोडक्ट बनाने में हमारी मदद करें। वो प्रोडक्ट बनाए, उन्हें सैलरी या वेजेस देंगे और प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, तो वो टर्शियरी एक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When are women paid for their work? जो औरतें हैं उनको कब उनकी पहली तनख्वाह मिलने लगी। देखो, घरों में रहने वाली औरतों को तो कभी किसी ने पैसे दिए नहीं। हमारी मदर हैं, सिस्टर्स हैं जो घर पे काम करती हैं, मतलब हमारे हाउस होल्ड करती हैं, हमारे घर के काम में, जैसे खाना बनाना अपने बच्चों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, तो उनको कोई पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा। यहाँ पे बोला है When the are women paid for their work? औरतों को कब उनके काम का पैसा मिला, तो उनको कब काम का पैसा मिला, जब वो मार्केट में गई। When they enter in the labor market, जब उन्होंने लेबर की तरह काम करा तब उन्हें मार्केट से क्या मिला, पैसा मिला। नेक्स्ट है, what was the literacy rate in the year 1951? हमारा जब देश आजाद हो गया था उसके बाद
1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद से भारत में पढ़ाई का जो रेट था, यानी कितने लोग पढ़े लिखे थे भारत में, तो भारत में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, यानी 18% लोग ही आजादी के बाद पढ़े लिखे थे, बाकी लोग सारे अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। तो लिटरेसी रेट क्या था 1950 में? 18%। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया 2011, 2011 तक जो लोग थे मैक्सिमम कितने साल तक जिंदा रहते थे? तो 70 साल तक। अब और कम हो गया है क्योंकि अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो आज की डेट में तो आदमी का जीने का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर है, पहले कितने साल तक जीता था आदमी? 70 तक। अब 60 साल में ही मर जाता है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और बढ़ेगा तो और कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, याद रखना IMR। तो IMR का क्या मतलब होता है ये पूछा गया है। तो IMR का मतलब होता है डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ द एज। 1 साल या उससे कम में कोई बच्चा जो पैदा हुआ वो 12 मंथ या उससे कम में अगर उसकी डेथ होती है तो उसे बोलते हैं IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। एक या बहुत सारे बच्चे, और भारत में या बहुत सारे देशों में जितने भी देश डेवलपिंग है जहाँ पे खाने की कमी है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैदा होने की कुछ समय बाद ही 2-4 महीने में ही मर जाते हैं। तो डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द 1 ईयर ऑफ एज को हम बोलते हैं IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है, सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद विच रीजन। देखो सीजनल नौकरी तो वो नौकरी होती है जैसे जब सीजन आया, जैसे बरसात वाले बरसात में लोग छतरियां बेचते हैं, दिवाली पे लोग खिल बतासे बेच रहे हैं, ईद में लोग जो भी चीजें बेच रहे हैं, समझ आ रहा है ना, वो सब क्या है, वो सीजनल है। और डिस्गाइज वो है जब एक काम को 10 लोग कर रहे हैं जबकि उसकी जरूरत भी नहीं है। जैसे देखा होगा परचून की कोई छोटी दुकान होती है तो उसमें उसके पापा भी बैठ जाते हैं, मम्मी भी बैठ गई, बहन भाई बैठ गए, जबकि इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि उस दुकान में इतनी कमाई भी नहीं है। उसे बोलते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम को करें जिसके लिए उतने लोगों की जरूरत ना हो। और सीजनल का मतलब जो कब गर्मी हो या सर्दियों में या बरसात में कुछ महीने का काम, जैसे बिजली वालों का काम गर्मियों में चलता है, चिकन शॉप मटन शॉप वालों का काम सर्दियों में चलता है, ठीक है, या ट्यूशन टीचरों का काम पेपर ओवर टाइम पे 5-6 महीने चलता है, या ज्वेलर्स का काम दिवाली पे शादी के टाइम पे चलता है, ये सीजनल है। तो बोला है सीजनल और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा कहाँ में मिलता है? तो सीजनल और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको गाँव के क्षेत्रों में मिलता है, यानी रूरल रीजन को बोलते हैं विलेज एरिया। तो रूरल रीजन में हमारे को गांव के क्षेत्र में हमें सीजनल और डिजाइन एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, व्हिच प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। 6 से 16 साल के बच्चे, 6 से 14 साल के जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं उनके लिए 2010 में जो प्रोग्राम रखा गया वो क्या था? वो था सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन ए। तो क्या है? सर्व शिक्षा अभियान रखा गया, यानी 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं सरकार की तरफ से उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी। इवन वो स्कूल में आएंगे तो उनके लिए उन्हें खाना भी दिया जाएगा जो आजकल मिड डे मील प्रोवाइड हो रहा है, उन्हें ड्रेस दी जाएगी, वजीफा दिया जाएगा, ताकि देश के लोग खासतौर पर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित किया जा सके और देश का लिटरेसी रेट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको कर लीजिए SST हाफ ईयरली प्रिपरेशन के लिए। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन पेपर ला सकें जिससे आपका मिड टर्म एग्जाम विदाउट ट्यूशन के ही आप बहुत अच्छा कर पाए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स।